महाकौशल अंचल में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आज संस्कारधानी जबलपुर में अपना दूसरा रसनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव RIC आयोजित किया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 80 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र में दीप प्रज्वलन कर किया है। इस विराट आयोजन में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 60 से अधिक इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन कर उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा भी कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों और नामी कंपनियों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। ब्रिटेन, ताइवान सहित 5 देशों से आ रहे प्रतिनिधि भी कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य काश्यप, PWD मंत्री राकेश सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग वैसे उत्तराखंड से हैं और हमने लास्ट ईयर ही मनेरी में मटर प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया है, क्योंकि सरकार की नीति है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जबलपुर का जो वन प्रोडक्ट है वो मटर है। तो इस साल भी हमने तकरीबन 10,000 टन मटर जो है यहाँ किसानों से लिए, और हमारी इकाई से लगभग 2,000 किसान इस समय जुड़े हुए हैं। और अब जो समय है, इस समय हम लोग जो है स्वीट कॉर्न पे फोकस कर रहे हैं, तो स्वीट कॉर्न की हम लोग यहाँ पर खेती करा के उनसे स्वीट कॉर्न लेंगे और स्वीट कॉर्न का फिर हम प्रोडक्शन करके उसे बाज़ार में बेचेंगे। और हमारा यहाँ जो टारगेट है, हमने देखा है जबलपुर के आसपास सब्जियों का बहुत भारी उत्पादन है। जैसे कि कल मंडी गए थे तो करेला है, परवल है यहाँ पर, और जामुन भी हम लोगों ने कराए हैं यहाँ पर, और जो कटहल जिसे जैकफ्रूट बोलते हैं। तो इन सब सब्जियों की देश में और विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अब हम लोग जो है इन सारी सब्जियों को भी यहाँ किसानों से क्रय करके और पूरे प्रोसेस करके पूरे इंडिया में और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं और करेंगे। कितनी उम्मीद लगाई कि इस कॉन्क्लेव से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, कॉन्क्लेव से बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यह है कि लोगों तक हम पहुँच रहे हैं। अभी तक लोगों को यही नहीं पता था कि हम लोग का कोई यहाँ पर किस तरीके से इकाई है और हम लोग ये काम करते हैं। कई किसान हमारे स्टॉल पे आए और उन्हें जानकारी मिली, और सरकार की भी हमें कई योजनाओं के बारे में पता लगा। जैसे MSME में अभी हम लोग गए थे स्टॉल पे, तो कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, और उससे हमें जानकारी बढ़ रही है। सरकार की वित्तीय सहायताएँ हैं, जो सरकार हमें बिजली में कुछ छूट मिल रही है फूड प्रोसेसिंग की, वो सब योजनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल रही है और हमें उसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। मेरा नाम है अपूर्व जिंदल और हमारी इकाई है नीलामरा बेवरेजेज LLP, जो मनेरी डिस्ट्रिक्ट मंडला में स्थापित है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर मणि त्रिपाठी है। आज हम इस कॉन्क्लेव में आए हैं। इस कॉन्क्लेव में हम आज अपने कृषि वर्ष के सभी प्रोडक्ट्स को दर्शा रहे हैं। हमारा जो काम है, हम करते हैं मोबाइल पंप कंट्रोलर्स, हम बनाते हैं मोबाइल पंप कंट्रोलर जो हैं वो हम किसान भाइयों के लिए और साथ ही साथ जो हमारे घरों के लिए, उन दोनों तरह के पंप्स के लिए हमने डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो पंप कंट्रोलर्स हैं हमारी, ये क्या सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप कहीं पर भी हों, आप अपने घर पर नहीं हैं या आप अपने खेत पर नहीं हैं, तो आप कहीं से भी अपने मोबाइल फ़ोन से सिंचाई का हर एक काम कर सकते हैं। या अगर आप घर पे लगा रहे हैं हमारे डिवाइसेस, तो घर के आपको पूरा वाटर सप्लाई आप मोबाइल से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। इसमें हमारे पास 2G डिवाइस भी है, 4G डिवाइस भी है, वाईफाई वाला भी है, और अगले महीने हम एक रिमोट बेस्ड डिवाइस भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कब बिजली आई, क्योंकि बिजली हर टाइम तो रहती नहीं है, तो बिजली कब आ रही है उसकी पूरी जानकारी आपको मोबाइल पर मिलती है। नोटिफिकेशन उसका आता है और ये पूरा इंटरनेट पर चलता है, तो पूरा नोटिफिकेशन आपको आएगा। इसके साथ में आप कितने फेज़ आ रहे हैं उसकी जानकारी, वोल्टेज वगैरह हो गया पूरा, तो वो सारी जानकारी आपको मोबाइल पे ही देखने को मिलती है। मतलब कहा जाए कि किसान को अपने घर से ही बैठ के खेत तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सब कुछ वहीं से अपना हैंडल कर सकता है। जी जी जी, तो इसमें ऐसा रहता है कि आप कहीं पर भी हों, क्योंकि पूरा इंटरनेट से चल रहा है, इसमें सिम कार्ड भी लगता है, वाईफाई वाले में वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो आप कहीं पर भी हों, कितनी भी दूर हों, आप दूसरे देश में भी क्यों ना हों, आप पूरा पंप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे किसान हैं, एक दो हमारे कस्टमर हैं, जो कि दूसरे देश से भी कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। वो पूरा निगरानी रखते हैं कि हाँ, जो उनके मजदूर हैं या जो भी उनके यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं खेती किसानी, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके भी पूरा निगरानी रखने का काम आता है। इसके लिए हमारे ये डिवाइसेज आते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे डिवाइसेज जो हैं, ये ऐसा अलग अलग डिवाइसेज आते हैं। ये हमारा 4G वाला डिवाइस है और ये हमारा वाईफाई वाला डिवाइस है। तो इसको केवल लेके आपके पंप के साथ सेटअप करना रहता है। यहाँ पे नीचे वायर्स निकलती हैं और वायर्स को पंप के साथ जोड़ देना रहता है, और फिर मोबाइल से सेटअप करके आप डायरेक्ट मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं।
ये आपका प्लांट कहाँ पर है और कैसे लोगों के अवेलेबल होता है? देखिए हमारा हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे भी है। आप कृषिवश या नीर मोबाइल पंप कंट्रोलर लिख के सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और इसके अलावा हमारा महाराजपुर जबलपुर में ऑफिस है, वहाँ से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस इन्वेस्टर मीट से आप लोग ने क्या उम्मीद लगाई है और कितना इससे आप फ़ायदा हो सकता है शहर को और आप लोग को? 100% फ़ायदा तो बहुत मिलने वाला है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं तो इन्वेस्टमेंट का तो सबका अपना रहता ही इंटेंशन, और गवर्नमेंट अगर इतनी पॉजिटिव रही तो इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। जबलपुर ग्रोइंग सिटी, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। आपने किस चीज़ में आप? हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया अपना पाइप इंडस्ट्री का, तो हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी तो हम और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इसमें। क्या लगता है कि इस तरीके के गवर्नमेंट को प्रोग्राम्स करनी चाहिए ताकि लोगों को जो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या जिनको जरूरत है? यस, करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म से फ़ायदा तो मिलता ही, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, तो फ़ायदा ही मिलेगा। लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो इससे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। इसमें आपने क्या प्रोग्राम किया है? मैं जी CF जबलपुर से हूँ, गणकारी शक्ति जबलपुर से। अभी हमने कुछ एक यहाँ पे कंपोनेंट्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, जो आपने देखे होंगे भी। उन कंपोनेंट्स में हम चाहते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास छोटी फर्म्स हैं वो एक कंपोनेंट बना करेंगे, जैसे कुछ एक कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, या कुछ एक मशीनिंग करना है जिसके पास टर्निंग मशीन हो या मिलिंग मशीन हो, वट एवर टाइप ऑफ मशीन, दे कैन कंट्रीब्यूट इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। कितनी उम्मीद लगाई इस कॉन्टेक्ट से जी, इस इन्वेस्टर मीट से कितनी उम्मीदें लगी आपको? एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट हमने ये किए हैं तो अभी 3-4 इन्वेस्टर से हम लोग मिले हैं जो इन कंपोनेंट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अभी मिले हैं, तो सोच रहे हैं कि ये कंपोनेंट एटलीस्ट जो है आउटसोर्स होगा। आपका शुभ नाम? सुजान सिंह यादव। फैक्ट्री खमरिया की ओर से लगा हुआ है ये पूरा, हमारा एम्युनेशन साइट से है जिसमें एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट के बम जो हैं यूज किए जाते हैं प्रेजेंट में, वो लगाए गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से ज़्यादा हमको जो पार्ट्स चाहिए होते हैं या जो हम बाहर से इन्वेस्ट करके बुलाते हैं वो हमारे इंडिजीनियस डेवलप हों और वो हमको प्रोवाइड करें ताकि और आसानी से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना सकें। मेरा चंद्रशेखर मिश्रा। ये जो कॉन्क्लेव है, इन्वेस्ट कॉन्क्लेव फॉर जबलपुर, जो कि पहली बार इतने बड़े स्तर पे जबलपुर के लिए CM ने सोचा और ये सारे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया, तो मैं मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर हम पिछले 24 सालों से महिला उद्यमियों के प्रोडक्ट्स को हम मार्केट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को घर से निकल कर कुछ काम कर पाएं। जो हमारी उद्यमी हैं वो बहुत बेसिक घरों से काम करके स्टार्ट करके जिन्होंने काम स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आज इंटरनेशनल लेवल पे वो पहुंची है, तो हमारी ये 24 साल की तपस्या रही और पहली बार जबलपुर में इतना बड़ा आयोजन देख के हमें बहुत ही बहुत मतलब हमारे लिए ये हर्ष का वो है कि ये हमारे जबलपुर में भी हो रहा है। तो हमारे जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों के जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं वो हैंडमेड मसाले हैं जो कि शुद्ध घर के मरे हुए मसाले, ये मिलेट्स, आजकल कोदू कुटकी, तो ये खुद के ऑर्गेनिक कोदू कुटकी का इन लोगों का प्रोडक्शन है। यस, अनाज जो आजकल बोलते हैं ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि ये मतलब इसको बोलते हैं गोल्डन अनाज, मतलब गोल्डन आपका वीट्स है, और ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी छतरपुर की महिला उद्यमी है जो वो मंदिरों से फ्लावर एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो मालाएं, फूल मालाएं, उनको धूप बत्ती में, सामदानी क्लब्स कप्स में और अगरबत्ती में कन्वर्ट करती है। इस तरीके से हर्बल प्रोडक्ट्स ये महिलाएं खुद अपने घर में काटती, पीटती, बुनती, कूटती, छानती हैं और उनको इस तरीके की लेवल, इस ग्रेड की पैकिंग और अपग्रेड करके मार्केट देते हैं। क्या लगता है कि ये कॉन्क्लेव कहाँ तक आप लोगों को ऊंचाई तक पहुँचाएगा या क्या उम्मीदें लग रही हैं? हम लोगों को ये उम्मीदें हैं कि कम से कम ऑल ओवर MP हमारी पहचान बने, ठीक है तो हम लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जबलपुर के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हर साल, हर दो साल में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सिंपोजियम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बट अगर अभी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जबलपुर से मनीष एक्का की रिपोर्ट।